हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। एंड आज के विस्की वेंसडे के एपिसोड में हम रिव्यू करेंगे एक घुमी हुई विस्की की, भीड़ में एक घुमी हुई विस्की जिसको आपने शायद कई बार नोटिस करा होगा। जब आप लिकर शॉप में जाते हैं विस्की खरीदने के लिए, आपको ये बॉटल ज़रूर दिखी होगी लेकिन आपने शायद ही कभी इसको ख़रीदा होगा। ये इतनी ज़्यादा घुमी हुई है that this was the very first single malt bottle that I got in my collection, but इसके review करने में मुझे इतने साल लग गए। Glen's की भीड़ में घूमी हुई Glenkinchie, और ये जो मैं कह रहा हूँ ना घुमा हुआ, ये मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। This is not just my opinion or your opinion, this is the story of this whiskey एंड द distillery. Glenkinchie की जो distillery है, जो whiskey makers हैं, they are pretty much an afterthought. And they have always remained an afterthought ever since its conception. But दो ऐसी चीज़ें हैं जो इस विस्की को बहुत ही important विस्की and distillery बनाते हैं। Glenkinchie distillery की शुरुआत हुई थी 1825 में। रेड ब्रदर्स थे, जॉर्ज एंड जॉन रेड, जिन्होंने इस डिस्टिलरी की शुरुआत करी थी। वो पहले भी विस्कीज बना चुके थे बट दे वॉन्टेड टू मेक अ बिग डिस्टिलरी, और वहाँ से उन्होंने शुरुआत करी Glenkinchie की। ग्लेन, यू गाइस नो, ग्लेन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है वैली, और किंची जो वर्ड है वो आता है द क्विंसी, जो उस लैंड के जहाँ पे डिस्टिलरी बनी थी उसके पहले ओनर्स थे, उनका नाम द क्विंसी था, उसके नाम से द किंची बन गया। अब कोई सर पैर नहीं होता भाई ये नामों का, पता नहीं, हम इंडिया में ग्लेन ग्लेन को बड़ा वैल्यू देते हैं बट एक्चुअली में देखा जाए तो कोई ज़्यादा सेंस नहीं होती है इन नामों की। और अब मैंने एक नया ट्रेंड देखा कि इंडियन विस्कीज़ भी ग्लेन्स यूज़ करने लगी हैं, ग्लेन वर्ड यूज़ करने लगी हैं। आई हैव नो आइडिया वाई, भाई मत करो ये, अपना अपनी ओरिजिनलिटी, कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ यार, क्यों हमें किसी और को कॉपी करना है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। खैर, 1825 में शुरुआत हुई लेकिन रेड ब्रदर्स ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, डिस्टिलरी को चला नहीं पाए, तो 1853 में डिस्टिलरी शट डाउन हो गई। वो दोनों भाई जो थे वो बैंक्रप्ट हो गए, डिस्टिलरी को उन्होंने बंद कर दिया, और वहाँ पर जो डिस्टिलरी थी वहाँ पर एक सॉ मिल बन गई जहाँ पे लकड़ी का काम होता था। लेकिन 1881 में इस डिस्टिलरी को दूसरी कंपनी ने ख़रीद कर दोबारा शुरू करा, क्योंकि उनको लगा था कि शायद कुछ प्रॉमिसिंग है इस डिस्टिलरी में, और उसके बाद विस्की मेकिंग दोबारा स्टडी स्टार्ट कर दी गई। 1925 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन आता है इस डिस्टिलरी के लिए, जब ये डिस्टिलर्स कंपनी लिमिटेड जो ग्रुप था उसका पार्ट बन गई, जिसके अंडर बहुत सारी डिस्टिलरीज आती थी, और यही ग्रुप आगे चलकर बना डीआरजीओ, विच इज़ प्रॉब्ली द बिगेस्ट लिकर कंपनी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अगर हम Glenkinchie विस्की की बात करें देन इन माई ओपिनियन वी कैन से दैट इट इज़ समवट ऑफ एन आफ्टर थाट, बिकॉज येस विस्की है, शेल्स में हमें दिखती है, कंसिस्टेंटली दिखती है, बट इट इज़ नॉट द मोस्ट फ्लैशियस्ट विस्की, इट्स नॉट द मोस्ट पॉपुलर विस्की, सबसे ज़्यादा सेल्स भी जनरेट नहीं करती है। सो इट इज़ देयर, इट हैज़ बीन डूइंग इट्स जॉब कंसिस्टेंटली। लेकिन अगर हम बात करें Glenkinchie डिस्टिलरी की, जहाँ पर यह विस्की बनती है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिलरीज फॉर डीआरजीओ फॉर टू रीजन्स। पहला रीज़न है द रीजन, ये डिस्टिलरी आती है लोलैंड रीजन में, जो स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबरा, उससे अराउंड 10-15 किलोमीटर दूर है ये लोलैंड रीजन। एक जो रीजन है उसके अंदर सिर्फ 6 ही डिस्टिलरीज हैं पूरे स्कॉटलैंड के अंदर, तो Glenkinchie हैज़ समवट ऑफ एन इस्टेब्लिश नेम, एक नेम वैल्यू है उसकी, क्योंकि सिर्फ 6 डिस्टिलरीज के अंदर एक डिस्टिलरी आती है, और डीआरजीओ उसे ओन करता है, तो उसे ज़्यादा पुश करा जाता है मार्केटिंग में। आई हैव नॉट ट्राइड ऑल द लोलैंड विस्कीज, बट अगर हम बात करें लोलैंड विस्की की, तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो आता है Glenkinchie का, बिकॉज इट इज़ ओन्ड बाई डीआरजीओ, सो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ी जाती है। सेकेंड जो रीज़न है जिसकी वजह से डिस्टिलरी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा है, आई मीन पॉट स्टिल जो है जिसमें विस्की बनती है, जिसमें विस्की डिस्टिल होती है, वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन द एंटायर कंट्री, द एंटायर स्कॉटलैंड कंट्री। तो जो विस्की प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकती है, और जो विस्की बनती है Glenkinchie डिस्टिलरी में, ज़्यादातर वो विस्कीज़ यूज़ होती हैं दूसरी ब्लेंड्स में, डीआरजीओ कंपनी के जो दूसरी और ब्लेंडेड विस्कीज़ आती हैं उसमें जो विस्कीज़ यूज़ करी जाती है मॉल्ट के तौर पर, वो बहुत सारी विस्की
ग्लेनकेंची डिस्टिलरी से ही जाती है। कमिंग बैक टू दिस विस्की ग्लेनकेंची 12, आप लोग सोच रहे हो कि बार बार मैं ये वर्ड आफ्टर थॉट यूज़ कर रहा हूँ, गुमी हुई विस्की यूज़ कर रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को और बताता हूँ कि ज़्यादातर डिस्टिलरीज जो अपनी विस्कीज बनाती हैं वो मल्टीपल वेरियंट्स लेकर आती हैं, जैसे 10 ईयर हो गया, 12 ईयर हो गया, 8 ईयर, 16 ईयर्स, 20 ईयर्स, कुछ ना कुछ नया लाती रहती हैं। बट फॉर ग्लेनकिंची डिस्टिलरी देर इज़ ओनली वन सिग्नेचर रिलीज एंड दैट इज़ ग्लेनकिंची 12। उसके अलावा कभी कभार कोई लिमिटेड एडिशन उन्होंने निकाल दिया तो निकाल दिया, बट मोस्टली दे ओनली हैव वन वेरियंट एंड दैट इज़ ग्लेनकिंची 12। और ये जो विस्की बनती है ये पूरी साल की जो विस्की बनती है, पूरे साल जो बिकती है, उसे बनाने में डिस्टिलरी को सिर्फ 3 हफ्ते लगते हैं। जी हाँ, 3 हफ्ते में पूरी डिस्टिलरी पूरे साल की विस्की बना देती है, और उसके बाद जो डिस्टिलरी यूज़ होती है वो दूसरी ब्लेंड्स के लिए विस्की बनाने में यूज़ होती है। अब आप लोग बताइए ये सुन के कि आप लोगों को क्या लगता है, डू वुड यू से दैट दिस इज़ एन आफ्टर थॉट। बट ये सब बातें दूसरी हो गई, आई थिंक दिस इज़ मोर अबाउट द बॉटल। बट जो लिक्विड इसमें यूज़ करा गया है, क्या वो वर्थ द मनी है? चलिए ट्राई करते हैं। सो दिस इज़ 75 CL यानी कि 750 ml की बॉटल है, 43% ABV के साथ आती है, 12 ईयर्स एज्ड एंड एज्ड इन एक्स बर्बन कास्क्स। बट यस, जो इसमें जो स्टिल्स हैं, जो पॉट स्टिल्स हैं, बिकॉज उनका साइज बहुत बड़ा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट प्रोफाइल। लेट्स डू सम नोजिंग। यस, एडिड कलरिंग इसमें डाली गई है। स्ट्रेट अवे दैट रिच मॉल्टीनेस दैट यू गेट, दैट फ्रूटीनेस, दैट रिच मॉल्टीनेस जो एक टिपिकल स्पेस साइड विस्की में आपको मिलेगी, वैसे सिमिलर नोट्स हैं। ग्लेन मोरांजी, ग्लेन फिडिक वाले जो नोट्स हैं, सिमिलर नोट्स आ रहे हैं। सम बटर स्कॉच, बिट ऑफ वनीला एज वेल, वेरी नाइस ऑन द नोज, वेरी वेरी प्लेजेंट। देर इज़ नो ऑफ पुटिंग या स्पाइसिस, या अगर आपको स्मोकी पीटेड विस्कीज पसंद नहीं है तो वो कुछ भी नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी नाइस रिच मॉल्टी फ्रेंडली ऑन द नोज। ओ, लिक्विड बटर, रिच मॉल्ट, वेरी नाइस टेक्सचर, ओक वुड, अ बिट ऑफ चार्ड वुड, हल्का हल्का वो जो एक चार्ड ऐश जैसा स्मोक आता है, नॉट द टिपिकल पीट स्मोक, सम वनीला एज वेल। या बटर स्कॉच, एक्लेयर जैसे कैंडी, एल्पन लीबल जैसी कैंडी होती है ना, वैसा टेस्ट हल्का हल्का है। ओवरऑल दिस इज अ वेरी वेरी प्लेजेंट विस्की। एज आई सेड कि जब हम विस्की खरीदने जाते हैं, हमें इतने सारे ग्लेन्स दिखते हैं, हम ग्लेन मोरांजी, ग्लेन फिडिक, ग्लेन लिविट उठाते हैं, ये वाली ग्लेन को कहीं भूल जाते हैं। बट आई फील दैट, आई मीन आई वुड नॉट से दैट कि ये बेस्ट है उनमें से, बट दिस इज डेफिनेटली देयर टू कम्पीट विद देम एंड डिलीवर्स इन प्रीटी मच एवरी पैरामीटर। मेरा जो ओपिनियन था, मैंने जब विस्की फर्स्ट टाइम पी थी आज से कुछ सालों पहले, मेरा ओपिनियन आज भी वही है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग विस्की है। इट इज़ वेरी वेरी स्मूथ, वेरी वेरी रिच। अगर आप ये विस्की आंखें बंद करके पियेंगे ना, पंखा बंद कर दो अपने कमरे का, विस्की का सिप लो, आपको लगेगा ठंडी हवा का एक झोंका आपके आके आपके मुंह पे लगा है, इतना मज़ा आता है विस्की पी के। बट एट द सेम टाइम जब आप विस्की खरीदने जाते हैं तो शायद आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं होगी, बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस हैं, और आपको ये बॉटल देख के कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि इसे ख़रीदना चाहिए। प्राइस आई थिंक इसका अराउंड 3500 के आसपास है इन दिल्ली एंड इन गुड़गांव, एंड आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शन आर अवेलेबल। इट शुड बी अराउंड 3000 आई थिंक, अगर इतना हो तो एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त ऑप्शन बन जाएगा। What do you guys think? अगर आपने ट्राई करी है तो मुझे बताइए आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। अगर आपने, आपको विस्की पसंद है, इसकी जो स्टोरी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आपने पी है विस्की तो मुझे बताइए आपका क्या ओपिनियन है, कैसी लगी इसकी कहानी, क्या आपको लगा कि सच में इस विस्की को थोड़ी और इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ गुड टेस्टिंग विस्की, इज जस्ट दैट इट डजेंट गेट इनफ
ऑफ द अटेंशन. इवन दो जो डियाजियो की जो क्लासिक मॉल्ट्स सीरीज है जिसमें वो हर एक रीजन की एक एक विस्की को प्रमोट करते हैं उसके अंदर भी आती है, बट स्टिल आई डोंट हेयर अबाउट दिस विस्की इनफ. डू यू गाइस थिंक दैट दिस विस्की डिजर्व्स मोर नॉइस? लेट मी नो इन द कमेंट्स. लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers.